नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है H17 टेक्निकल ज्ञान में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो ये कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तब आपको कई सारे सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से ज़्यादातर पेड वर्जन होंगे, जिसमें आपको पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है, और उनमें से एक मैंने जो पर्सनली यूज़ किया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला सॉफ्टवेयर है ये फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए पहले इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। ओके, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर आपका ये रिकॉर्डिंग सेव होगी, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट और इंस्टॉल। फिनिश। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। ये है वो सॉफ्टवेयर, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन और साइन अप बोल रहे हैं। यहाँ पर सिंपली आप अपना ईमेल डालकर साइन अप कर सकते हैं। दोस्तों, यह कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, सिर्फ इतना ही पोर्शन रिकॉर्ड होगा। अगर आप फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हो, या कस्टम पर क्लिक करके फुल स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों, आपकी फुल स्क्रीन कवर हो चुकी है, आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर हम सेटिंग्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से फ्रेम रेट या बिट रेट भी सेट कर सकते हो, या जनरल सेटिंग में आपको की शॉर्टकट देखने को मिलेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए, रिकॉर्डिंग को पॉज या रिज्यूम करने के लिए, और यहाँ पर ये जो टूल बार है इसको हाइड करने के लिए। दोस्तों, आप इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो यहाँ से। ओके, अब दूसरा जो सॉफ्टवेयर है ये, दोस्तों ये वो सॉफ्टवेयर है जो स्टार्टिंग से मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, रिकैम 8 सॉफ्टवेयर। आपको सिंपली अपना क्रोम खोल के रिकैम 8 सर्च करना है, और ये जो पहली वेबसाइट आपको दिखेगी वो उसी की है। सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ आप अपना ईमेल डालकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ रिस्की या कुछ ऐसा नहीं है, ये मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है और बिल्कुल सेफ है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो सॉफ्टवेयर, आप इसे सिंपली रन कर सकते हो और अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।